अरे गौरी तुम? क्या बताऊं राजा जी, मेरा बहुत मन कर रहा था, वो बहुत जी मचला रहा था मेरा। तो आओ जी, अच्छा कर देते हैं। आप वैद हैं? है? आप डॉक्टर हैं? आप कहाँ हैं? आप कुछ नहीं हैं। क्या हुआ साक्षी? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। इधर आओ। मैं जब से ऑफिस से आया तुम्हें बहुत परेशान देख रहा हूँ, कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? बाल पोछते हुए आई थी वापस। अगर कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, लेकिन अगर सिर्फ बात थकान की है तो चलो मैं तुम्हारी थकान उतार देता हूँ। बहुत सही, इतनी सीरियस बात में भी इनको ठरक सूझ रही। लड़के ज्यादा डम होते हैं लड़कियाँ। बट ऑब्वियस लड़के, बट ऑब्वियस लड़के हमेशा ही होते हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने समझ लिया अभी चीजें। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तीन बिल्डिंग है, एक में बच्चे हैं और एक में सुंदर सुंदर लड़के हैं, काफी हैंडसम, और एक में बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं। तो एम्बुलेंस सबसे पहले किस बिल्डिंग की आग बुझाएगी? तीनों बिल्डिंग में बात, तो फायर ब्रिगेड आती है आग बुझाने के लिए। दीदी वाह दीदी, राजा जी उनसे आगे भविष्य के बच्चे सुंदर होंगे इसलिए। तो किस सबसे पहले किस बिल्डिंग में आग बुझाओगे? ड्राइवर आप दोनों ही हो मेरे लिए, सुधर सुधर लड़के बच्चे बच्चे। आप बताओ किसमें दिमाग कम है? नहीं, कुछ ऐसी होती है भाई जिनका दिमाग पता नहीं कहाँ खेल रहा होता है। आई रुको, हाँ रुको, कहाँ रह गए थे? कब से वेट कर रही थी तुम्हारा? एहे, रहा नहीं जाता। मैं अपने प्यारे से फूल के लिए ये फूल लेने गया था। अच्छा, ये मुर्दे हर बार एक नया बहाना बनाया करो। पता है ना, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है और फिर बस में एक महीना तुम्हारे साथ अच्छे से रह जाऊंगी, वरना फिर उस चौमू रमेश को झेलना पड़ेगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं इसी गाँव में रहूंगा। पहले से ही प्लानिंग बन रखी है भाई। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा इश्क में तू अंधा है मैं नहीं। नहीं, समीर ने क्या कहा था? इतनी ऊपर से कुछ नहीं दिखता। शॉप बंद करें क्या? हाँ, सब तो बंद कर ली थी, आप कहिए तो आपके लिए खोल देती हूँ। अरे पान की दुकान और क्या। अच्छा, एक्चुअली मुझे वो वाला पान खाना था। तो फिर लाइए 1500 रुपया। 1500? मेरे पास अभी तो सिर्फ 500 ही है। तो ठीक है, जब हो गया आपके पास 1500 रुपया तो आ जाना पान खाने के लिए। अरे नहीं, आप ऑनलाइन लेती हैं क्या? हाँ, हम हर तरफ से लेते हैं। हर तरफ से नहीं, ऑनलाइन पेमेंट लेती हैं। आप किस तरह देना पसंद करेंगे? जी मैं समझा नहीं। ऑनलाइन पैसे? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं, सेक्सी होने का मतलब ये थोड़ी ना है तुम खुल कर बिछ जाओ सरकार। देखिए सर, उसका रेट तो मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगा, बाकी आप इसका बता दीजिए मेरे को, ये क्या है? ये टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन है। क्या बात कर रहे हो, ये तो एकदम वॉशिंग मशीन लग रही है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप हाथ से कपड़े धुलते हो कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है मुझे तो। इससे आपको 10 मिनट लगेंगे, बचे ना 50 मिनट, आप कहीं घूम के आ जाओ, हुआ ना टाइम ट्रेवल। सुन, हाँ, लेट्स प्ले अगेन। क्यों नहीं? ये दोपहर को बैडमिंटन नहीं खेल सकता, सॉरी। बैडमिंटन? ओह गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर गेम, इडियट। तू समझा? हाँ, सब समझ गए सिवाय इस लॉन्डे। तू पुलिस और नीचू, समझे?
सब आप रिश्ता देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लड़की देखूंगा। वो तो ऑब्वियस है। मेरा कहने का मतलब है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की जिंदा होनी चाहिए। बात तो सही है। अरे भाई साहब आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ घर बार कैसा होना चाहिए? हाँ घर में बार होगा तो चलेगा। भाई साहब आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ लड़की कैसी होनी चाहिए। लड़की बोला तो जिंदा होनी चाहिए। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि उसके परिवार कैसे होने चाहिए, भाई बहन कैसे होने चाहिए? भाई का तो नहीं पता लेकिन बहन तो उससे भी अच्छी होनी चाहिए। वाह, ताकि उस पे भी लाइन मार सके। तो गोलगप्पे का पानी लग रहा है। हाँ हाँ, तो मेरे भैया नया काम शुरू किया है ना? क्या बात है, क्या सोच रही हो? एक बात पूछे भौजी। इस सुहागरात में काका होता है? घूंघट उठाई रसम के बाद सब कुछ उठाया जाता है। का मतलब? मतलब ई, पहले थोड़ा तकलीफ होता है, फिर तो मजा ही मजा है। समझ रहे हो?